नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो एशिया कप 2022 के सबसे बड़े मुकाबले में यानी कि एशिया कप 2022 के दूसरे मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को बेहद ही रोमांचक अंदाज में 5 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2021 में मिली हार का बदला चुकता किया है। लेकिन अब दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है और वो न्यूज़ ये है कि एशिया कप 2022 में एक बार फिर से ये दोनों टीमें सामने भिड़ने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आपको एशिया कप 2022 में फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस महामुकाबले से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं कि यह महामुकाबला कौन से स्टेडियम पर खेले जाएगा, कितनी तारीख को होगा, इसके अलावा कितनी बजे से स्टार्ट होगा और इस महामुकाबले के लिए क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एशिया कप 2022 में टोटल 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में आपको नजर आ रही है इंडिया, पाकिस्तान और हांगकांग। वहीं पर ग्रुप बी में नजर आ रही है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसके अलावा एशिया कप 2022 में टोटल 13 मैचेस खेले जाएंगे जहां पर 6 ग्रुप स्टेज मैचेस होंगे। इसके अलावा 6 सुपर 4 के मैचेस खेले जाएंगे और 1 फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वहीं पर ये सभी 6 टीमें ग्रुप स्टेज में 2 मुकाबले खेलने वाली हैं और यहां से ग्रुप ए से जो टॉप की 2 टीमें होंगी वो आगे सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करेंगी, जबकि ग्रुप बी से भी टॉप की 2 टीम सुपर 4 स्टेज में पहुंचेंगी और बाकी की 1-1 टीम यहीं से एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों ग्रुप ए से इंडिया और पाकिस्तान की टीम सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करने वाली है क्योंकि इंडिया का जो अगला मुकाबला है वो हांगकांग के साथ है, जबकि पाकिस्तान का भी जो नेक्स्ट मैच है वो हांगकांग के साथ है और इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों ही टीमें हांगकांग को बड़ी ही आसानी के साथ हरा देंगी। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन अगर बाई चांस हांगकांग की टीम इंडिया को हरा देती है और पाकिस्तान की टीम हांगकांग से जीत जाती है, इस केस में भी पाकिस्तान और इंडिया सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि पहली बात तो हांगकांग की टीम इंडिया को हरा नहीं पाएगी, लेकिन अगर हांगकांग इंडिया को हरा देता है तो भी वो बड़े मार्जिन से नहीं हरा पाएगा जिससे कि उनका नेट रन रेट इंडिया से बेहतर हो जाए। तो उस केस में भी दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की टीम सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पाकिस्तान को हर हाल में हांगकांग को हराना होगा जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से पहला मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया था उस हिसाब से यहां पर पाकिस्तान की टीम हांगकांग को इजीली हरा देगी। तो इस तरीके से एशिया कप 2022 में ग्रुप ए की टॉप 2 टीम्स, इसके अलावा ग्रुप बी की भी टॉप की 2 टीमें सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करेंगी और सुपर 4 स्टेज में इन 4 टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे जहां पर सुपर 4 स्टेज में टोटल 6 मैचेस खेले जाने वाले हैं और हर एक टीम बाकी की 3 टीमों के साथ मैचेस खेलेगी। सुपर 4 स्टेज का जो पहला मुकाबला है वो खेला जाएगा 3 सितंबर को B1 vs. B2 के बीच में शारजा के मैदान पर इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से, जहां पर B1 का मतलब है ग्रुप बी की पहली टीम और B2 का मतलब है ग्रुप बी की सेकंड टीम। इसके अलावा 4 सितंबर यानी कि संडे को मुकाबला खेला जाएगा A1 vs. A2 के बीच में यानी कि ग्रुप ए की पहली टीम और ग्रुप ए की सेकंड टीम के बीच में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। दोस्तों इस तरीके से 4 सितंबर 2022 संडे को इंडिया और पाकिस्तान के बीच यानी कि A1 और A2 के बीच में महामुकाबला होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से और पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये मैच शाम के 7 बजे से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप इस महामुकाबले के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो और आपकी इस महामुकाबले के लिए क्या प्रेडिक्शन है? क्या इंडियन टीम लगातार दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को मात देगी या फिर पाकिस्तान की टीम पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला चुकता करेगी? आपकी जैसी भी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।